90 के दशक के मशहूर अभिनेता अक्षय खन्ना उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर कई ब्लॉकबस्टर मूवीज देकर अपना करियर तो सवारा ही है, साथ ही लोगों को भी इतना एंटरटेन किया है कि आज भी लोग उनकी फिल्मों को देखना खूब पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि अक्षय की फ्रेंड रिमी सेन अपने दोस्त की ज्यादातर फिल्मों को तो देखना पसंद करती हैं, पर अक्षय की 4 ऐसी फिल्में हैं जिसे वो बहुत नफरत करती हैं और बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती। तो आखिरकार कौन कौन सी हैं अक्षय खन्ना की वो 4 फिल्में, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1 पर है दीवानगी। आपको बता दें, अक्षय खन्ना की साल 2002 में आई फिल्म दीवानगी को उनकी फ्रेंड रिमी सेन देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ये फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित है जहां एक ही एक्ट्रेस के साथ दो अभिनेताओं ने खिलवाड़ किया है, इसीलिए इनकी कहानी रिमी सेन को काफी बोरिंग लगती है, तो बस इसी वजह से वो अपने दोस्त अक्षय खन्ना की ये फिल्म देखना पसंद नहीं करती। नंबर 2 पर है नकाब। भले ही अक्षय खन्ना की फिल्म नकाब के गाने काफी ज्यादा रोमांटिक और अच्छे रहे हों, पर इस फिल्म में अभिनेता ने जो अपना खतरनाक नेगेटिव रोल निभाकर एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा को मारने की कोशिश की थी और अपने हाथ से दूसरों को मारकर जो खून से रंगे थे, उसे देखकर उनकी फ्रेंड रिमी सेन को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नंबर 3 पर है हमराज। तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। जी हाँ दोस्तों, ये गाना साल 2002 में आई फिल्म हमराज का है, जिसमें बॉबी देओल, अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना एक साथ काम करते हुए नजर आए थे, जहां अक्षय ने नकारात्मक रोल निभाकर अपनी प्रेमिका को प्यार में धोखा दिया था और उसे मारने की कोशिश भी की थी, और एक खूंखार खलनायक के किरदार में खुद को फिल्म में पेश करते हुए अपने लिए लोगों के दिलों में एक गलत इमेज बना ली थी। बस इसी वजह से उनकी फ्रेंड रिमी सेन इस फिल्म को भी देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। नंबर 4 पर है आ अब लौट चले। जी हाँ दोस्तों, अक्षय खन्ना की फ्रेंड रिमी सेन अपने दोस्त की फिल्म आ अब लौट चले को भी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ये फिल्म एक इमोशनल ड्रामा मूवी है जिसे देखकर आंखों से आंसू रुकते ही नहीं है, क्योंकि इसमें अक्षय खन्ना ने दर दर की ठोकरें खाई थी और बस इसी वजह से उनकी फ्रेंड रिमी को ये सब देखना अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आप अक्षय खन्ना की किस फिल्म को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते? आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।